अपना इटली में आप सभी का स्वागत है। 100 सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में मैं आप लोग के साथ एक अनोखी डिश शेयर करूंगी, पटेटो कढ़ाई। इसके लिए हमें चाहिए 8 पटेटो, जो कि हमने अच्छे से छील के वाश करके 2 टुकड़े में काट लिया है। 8 पटेटो, 6 टमाटर, यहाँ पे 6 टमाटर, 2 चम्मच दही, 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 कसूरी मेथी, 1/4 जीरा, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च और फ्राई करने के लिए देसी घी। अब हमारा पैन गरम हो गया है, इसमें हम घी डालेंगे। 4 चम्मच देसी घी गया। अब इसमें हम पटेटो को मिक्स करेंगे। टमाटर को मिक्स करेंगे। टमाटर मिक्स करने के बाद 1-2 सेकंड हम इसी तरह चलाते रहेंगे। उसके बाद 5 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे कवर कर देंगे। 5 मिनट हम कवर करके पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम ढक्कन को हटाएंगे। उसके बाद टमाटर से स्किन को अलग करेंगे। उसके बाद हम इसे मिक्स करेंगे। इसमें नमक ऐड करेंगे अपने स्वाद के अनुसार। जिंजर गार्लिक पेस्ट, हल्दी, इन सभी को मिक्स करने के बाद बाकी के मसाले हम ऐड करेंगे। कढ़ाई पटेटो की रेसिपी में हमें प्याज ऐड नहीं करना है।
इसमें जाएगा धनिया पाउडर, चिली फ्लेक्स, जीरा और ग्रीन चिली। सभी को मिक्स करने के बाद कवर को फिर से 5 मिनट के लिए ऐसे ढक देंगे। 5 मिनट मसाले के साथ पकने देंगे। 5 मिनट के बाद हम कवर को हटा देंगे और इसे खुले में बनाएंगे अच्छे से मिक्स करके। अब इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे और कश्मीरी मिर्च। इसे मिक्स करके 5 से 6 मिनट खुले में पकाएंगे। हम इसमें दही डालेंगे। ध्यान रहे कि दही खट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और कसूरी मेथी। दही डालने के बाद लगातार हमें चलाना पड़ेगा जिससे कि दही फटे नहीं। अब गैस को लो फ्लेम कर देंगे। कढ़ाई पटेटो को मिक्स करते रहें। कढ़ाई पटेटो है तो अब इसे हम कढ़ाई में सर्व कर लेंगे। आज की हमारी अनोखी डिश कढ़ाई पटेटो बनकर रेडी है। आप सभी लोग ट्राई कीजिएगा और इस अनोखी डिश के लिए हमें ढेर सारा प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। धन्यवाद।